आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेपी पे के बारे में। फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि रेपी पे की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आप फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, आप ये भी जानेंगे कि अगर ऐसे आप रेपी पे की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नहीं लेना चाहते हैं, रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं, तो रिटेलर आईडी कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। यहाँ से फ्रेंड, अगर आप रेपी पे की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से दिया जाएगा, तो उसमें आप जैसे रिटेलर क्रिएट करते हैं तो वहाँ से रिटेलर कमीशन आपको मिलना ही है। साथ साथ उसमें अपना APSS एक्टिव कर लेंगे तो आपको आपका कमीशन साथ रिटेलर कमीशन भी आपको दिया जाएगा। मैं कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँ कैसे आप कमीशन इस दोनों तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अगर फ्रेंड यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आप फ्री में लेना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक बहुत जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। यहाँ से फ्रेंड सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं रेपी पे क्या है और इसमें कौन कौन से सर्विस मिलती है और उन सर्विस का यूज करके आप कितना कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, बताया गया है कि मेरे बिजनेस के साथ आपके रेवेन्यू, आप मेरे बिजनेस साथी रेपी पे, आप रेपी पे को अपने बिजनेस के साथी बना सकते हैं। जिनमें अगर सर्विस की बात करें तो माइक्रो ATM सर्विस मिल जाती है, आधार ATM का आपको सर्विस मिल जाती है, बिल पेमेंट करने या टैक्स पेमेंट करने की यहाँ सर्विस मिल जाती है, मनी को ट्रांसफर करने की सर्विस मिल जाती है और रिचार्ज समझते आपको यहाँ से सर्विस मिल जाती है। अगर इसके अपन यहाँ से बात करें, जितने भी नेटवर्क ग्रोइंग हैं, जितने भी APS रिलेटेड सर्विसेज हैं, सभी में अगर कंपनी की बात किया जाए तो यहाँ से फास्टेस्ट ग्रोइंग फिटनेस यहाँ से नेटवर्क बन जाता है रेपी पे। ये फिर आप देख सकते 2017 से रेपी पे चालू किया गया, जो कि यहाँ आते हैं तो इनमें 1 लाख से ज़्यादा रिटेलर इसमें एक्सेस कर चुके हैं और यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन इनसे डेली किए जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं रेपी पे। इसके अलावा फिर आप यहाँ देख सकते हैं, बताया गया कि लेस देन यहाँ से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, 1 लाख ज़्यादा इनमें कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं 15,000 रुपये पर मंथ यहाँ से आप अर्न भी कर सकते हैं। यहाँ देखते फ्रेंड, अगर आपको यहाँ से बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से कैश सर्विस मिलनी चाहिए, तो आप रेपी पे का आईडी लेके अपने कस्टमर को यहाँ से सर्विसेज दे सकते हैं, यानी अपने शॉप को आप बैंकिंग बना सकते हैं, जिनमें मनी को ट्रांसफर आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आधार ATM का आपको सर्विस मिल जाती है, फिर आपको आधार ATM कर सकते हैं, माइक्रो ATM का आपको सर्विस मिल जाती है, जिनमें सबसे कम माइक्रो ATM सर्विस आपके यहाँ से सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, सबसे कम पैसा यहाँ से माइक्रो ATM प्राप्त कर सकते हैं रेपी पे का, रिचार्ज और बिल का यहाँ से भुगतान भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड, आपको रेपी पे में कौन कौन सर्विस मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं रेपी पे की सर्विस बारे में बताया गया है, यहाँ से आप मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, कोई मोबाइल है प्रीपेड हो पोस्ट पेड मोबाइल का आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, बिल एंड टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी बिल हो, बिजली का बिल हो, वाटर बिल हो, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, यहाँ से होम रेंट जो भी कोई सा बिल आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, बिल की संबंधित कोई भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ से फ्रेंड डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी अपने देश में यहाँ से डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर करने की सुविधा जाती है, आप यहाँ डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके यहाँ से आधार ATM सर्विस मिल जाती है, आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, आधार कार्ड से फ्रेंड आप यहाँ से बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे माइक्रो ATM सुविधा मिल जाती है, कार्ड स्विप करके भी आप यहाँ से पैसे का विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विस मिल जाती है आपको यहाँ से APS में यूज करने में, यानी रेपी पे सर्विस को यूज करने में। इसको अपन देख सकते हैं, माइक्रो ATM अगर लेना चाहते हैं तो माइक्रो ATM भी ले सकते हैं, जो कि यहाँ से हर APS सर्विस की तो कंप्लीट आपको बहुत कम कीमत में आपको रेपी पे का माइक्रो ATM मिल जाता है। इसके अपन अगर हम बात की जाए कि इसका कमीशन कितना अर्न कर सकते हैं, तो APS अगर अपन कमीशन की बात करते हैं, देखते हैं हाईएस्ट कमीशन आप 10 रुपये तक यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अगर 7,000 से लेकर 8,999 का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप रिटेलर तो अपने 10 रुपये कमीशन अर्न कर सकते हैं और आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो अपन 1.50 रुपये कमीशन पर रिटेलर अपने अर्न कर सकते हैं। और यहाँ से अगर 9,000 से लेकर 10,000 तक करते हैं तो 6.50 रुपये कमीशन अर्न कर सकते हैं। इसी प्रकार 5,000 से लेकर 6,999 कमीशन अर्न कर सकते हैं और सबसे कम कैसे बात करें 200 से लेकर 400 करते हैं 25 पैसे कमीशन अर्न कर सकते हैं। इनमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर अगर बनते हैं तो आपको 1 रुपये कमीशन नहीं देता इतने ट्रांजेक्शन में और 1,000 से लेकर 1,499 करते हैं 2 रुपये कमीशन मिल दिया जाता है, इनमें 70 पैसे डिस्ट्रीब्यूटर का रहता है, 2 रुपये यहाँ से आप रिटेलर अर्न कर सकते हैं। तो इसका फ्रेंड आप इसे कमीशन लिस्ट को देख सकते हैं। अब यहाँ से बात किया जाए मोबाइल रिचार्ज और DTH रिचार्ज में, तो यहाँ पर हर कंपनी में अलग अलग यहाँ से रिचार्ज दिया कमीशन दिया जाता है। अगर एयरटेल की बात करें यहाँ देखते हैं मोबाइल रिचार्ज में तो 1.30% कमीशन दिया जाता है और DTH में बात करें तो यहाँ से 2.00% कमीशन दिया जाता है। डोकोमो फ्रेंड 2% कमीशन मोबाइल रिचार्ज में दिया जाता है, 2.5% का बिग टीवी में यहाँ से कमीशन दिया जाता है। यहाँ से BSNL कमीशन की बात करें देख सकते हैं सबसे ज्यादा BSNL कमीशन दिया गया है, 2.25% का मोबाइल रिचार्ज में प्राप्त कर सकते हैं और सन टीवी में फ्रेंड 2.50% का अपने कमीशन अर्न कर सकते हैं। आइडिया में अगर करना चाहते देखते 1.5 का ऐसे मोबाइल रिचार्ज में रहता है, जियो का 1% कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो इसका फ्रेंड मोबाइल रिचार्ज डिश रिचार्ज से आप कमीशन अर्न कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड सबसे जरूरी हो जाता है कि इसकी KYC के लिए कैसे डॉक्यूमेंट फिलअप करना है, क्योंकि फ्रेंड अदर कंपनियों की तुलना में इसे आपको थोड़ा डिफिकल्ट डॉक्यूमेंट फिलअप करना पड़ता है। बल्कि डोंट वरी, मैं इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप कैसे डॉक्यूमेंट फिलअप करना है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आपके आधार कार्ड के सामने की और बैक साइड दोनों की फोटो आपके यहाँ से लेनी है,
पैन कार्ड की आपको यहाँ सामने की फोटो देनी है, फिर इसके ऊपर बता के एजेंट का लाइव फोटो, अगर यहाँ से अगर आप लेना चाहते तो अपना खुद का लाइव फोटो, दोनों डॉक्यूमेंट यानी यहाँ से पैन कार्ड एक हाथ में पकड़ लेना, एक हाथ में आपको आधार कार्ड ले लेना है। यहाँ फ्रेंड आपको अपने शॉप के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाना है, इसके बाद अपनी दुकान में आप खड़े उसके 5 मीटर दूरी से आपके यहाँ फोटो खिंचवा के सेंड करना है। यहाँ बताया गया है कंपनी का जो एम्प्लॉय है यानी एजेंट के साथ मिलकर आपको यहाँ फोटो खिंचवाना है, अगर कोई नहीं तो आप अपना फोटो शॉप के सामने खड़े होकर यहाँ से फोटो खिंचवा के आपको उसे सेंड करना है। जिसको आप फ्रेंड एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को अपने हाथ में लेकर फोटो खिंचवाना जो कि लाइव फोटो होना चाहिए और एक आपकी लाइव सेल्फी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से अपनी दुकान का फोटो आपको देना पड़ेगा और यहाँ से अपनी दुकान के सामने खड़े होकर आपको फोटो खिंचवा के भी सेंड करना पड़ेगा, केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायर है। और फ्रेंड अब चलिए हम जान लेते हैं आपके रेपी पे की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आप कैसे ले सकते हैं। यहाँ फ्रेंड जैसे कि मैंने वीडियो शुरू में बताया था, आप रेपी पे की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, यानी अगर आप इस रेपी पे की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो आपको 1 भी रुपये चार्ज पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ फ्रेंड अगर आपको ध्यान होगा तो मैं एक चीज और बताया था कि रेपी पे की आप आईडी लेके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर अपने डबल कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो डबल कमीशन कैसे अर्न कर सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से आपको कंडा के जितने और रिटेल करेंगे उसका कमीशन मिले करेगा। अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में यहाँ से फ्रेंड APS अगर चालू कर लेते हैं या फ्रेंड APS आप चालू करें तो आपको अपना खुद का कमीशन साथ ही साथ आपको रिटेलर कमीशन भी आपको इसे दिया जाएगा। यहाँ फ्रेंड बात करें APS कूपन कार्ड की, नहीं अगर APS एक्टिव करना चाहते तो आपको कूपन कार्ड 200 रुपये का मिलेगा, ये 200 रुपये का आप कूपन कोड लेके अपने APS एक्टिव कर लेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन मिलेगा, इस आपको अलग से आपको APS का भी कमीशन दिया जाएगा। अब यहाँ फ्रेंड बात आती है जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नहीं लेना चाहते तो रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो रिटेलर आईडी कैसे ले सकते हैं। फ्रेंड जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया किस प्रकार सेम डॉक्यूमेंट वही लगेगा उसी प्रकार फोटो खिंचवा सेंड करना है और यहाँ से रिटेलर आईडी कॉस्ट बात करो तो फिर रिटेलर आईडी आपको यहाँ देख मिल जाएगी 200 रुपये में। अगर इसकी आप रिटेलर आईडी लेना चाहते हो तो 200 रुपये पर कॉस्ट देना पड़ेगा, आप 200 रुपये में किसकी रिटेलर आईडी ले सकते हैं। अब यहाँ फ्रेंड अगर आपको रिटेलर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना, जब डिस्ट्रीब्यूटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर शो कर रहा है 7309030 यहाँ से 5499 आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड और अधिक आपको जानकारी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, यहाँ से आपको रिटेलर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दोनों आपको यहाँ से मिल जाएगी तो आप यहाँ से आईडी प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड यह था पूरा कंप्लीट प्रोसेस, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ कि आपको रेपी पे के डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फ्री आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके अगर रिटेलर आईडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो को काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर करें, मन में कोई डाउट हो तो उनके पूछ सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम फॉलो करें वहाँ पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, मैं जितने भी नए नए अपडेट आते रहते हैं टाइम टू टाइम टेलीग्राम आपको अपडेट करता हूं, तो आप ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जल्दी नए नए वीडियो नए टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद टेक केयर।